तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के आईआर पे। तो आज की बहुत बड़ी अपडेट के भारत और नेपाल को लेके चल रहे सीम बॉर्डर विवाद को लेके चल रहे सिलसिले में अब एक नए अपडेट में आपके सामने लेके आया हूँ। तो आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो आज की बहुत बड़ी अपडेट की भारत और नेपाल को लेके भारत के न्यूज़पेपरों में भी है। मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि बॉर्डर खोलने की बात हो चुकी है, पर अब एक और जवाब भी आया है नेपाल के सरकार द्वारा भी कि ये बॉर्डर हम नहीं खोलेंगे। नेपाल सरकार बोल रही है, केपी ओली शर्मा की सरकार बोल रही है कि हम ये बॉर्डर नहीं खोलेंगे। क्यों नहीं खोलेंगे? क्योंकि जैसे भारत में कोरोना की हालत थी पहले, बहुत से जनता कोरोना के कारण जिनकी डेथ भी हो चुकी है और बहुत से हैं जो कोरोना पॉजिटिव है और नेगेटिव भी है, तो इन्हें लेके अब केपी ओली शर्मा नेपाल सरकार का जवाब है और उन्होंने अभी बॉर्डर पर अपनी पुलिस तैनात कर दी है और बोला है कि हम अभी एक बार 15 नवंबर से पहले बॉर्डर नहीं खोलेंगे, वरना तो बॉर्डर अभी खुल जाते। पर नेपाल सरकार ने बोला कि हम 15 नवंबर से पहले बॉर्डर नहीं खोलेंगे। तो इसी को लेके अब नेपाल सरकार कोरोना के कारण से घबरा रही है कि कोरोना का कहर ज़्यादा ना बढ़ जाए, और आगे अब त्यौहार भी आने वाला है जिसके कारण कोरोना अधिक हो सकता है, जिसके कारण वो बॉर्डर खोलने नहीं दे रहे हैं। और वैसे आपको बॉर्डर पार करना है तो आप कर सकते हो कि आप अपने जो भी लोकल ग्रामीण गांव में रहते हो वहाँ पे ग्राम पंचायत या किसी कार्यालय में जाके आप स्टाम्प या लेटर पैड पे लिखवा के कि मुझे मेरे वहाँ रिश्तेदार हैं, मेरा कोई रिलेटेड है, तो आप उस स्टाम्प पे लेटर पैड पे लिखा के और बॉर्डर पार कर सकते हैं। और इसी प्रकार आप किसी सिटी में हो तो आप वहाँ पे भी जाके ऐसे ही कर सकते हैं, और नेपाल से भी बाहर आ सकते हैं और बाहर से भी नेपाल आ सकते हैं। तो जय हिंद जय नेपाल। और ऐसी नई अपडेट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद जय नेपाल।